बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं स्निधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पर जाके या एस्ट्रो तक की ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे स्निधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है चंद्र ग्रहण। अब देखिए साल का दूसरा ग्रहण, पहला जो ग्रहण था वो लगा था जो सूर्य ग्रहण था 30 अप्रैल को लगा था। अब सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लग रहा है 16 मई को। 16 मई को किस समय लग रहा है ग्रहण? ग्रहण का जो समय रहेगा वो भारत में खासकर 7:02 से 12:20 दोपहर तक रहेगा, पर भारत में विजिबल नहीं होगा। सूतक काल जो 9 घंटे पहले लग जाता है, बट कहा जाता है जहां ग्रहण दिखता है वहीं सूतक काल लगता है, तो भारत में तो नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं कि कहां कहां दिखेगा और क्या होता है। देखिए ग्रहण के समय कहा जाता है सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इस समय जो सूर्य या चंद्र जो है वो पीड़ित होते हैं। और जब सूतक काल लगता है यानी कि जैसे 9 घंटे पहले सूतक काल चंद्र ग्रहण के लग जाता है, तो उस समय जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, काफ़ी इनका इम्पैक्ट जो है स्ट्रांग रहता है। और खासकर चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना है। कोई भी मांगलिक काम आपका है, कोई भी शुभ चीज़ आप करना चाहते हैं, कोई शुभ दिन है, तो कोई भी शुभ काम इस समय नहीं किया जाता। सूतक काल से ही शुभ काम नहीं किया जाता, तो आपको इस समय कोई भी शुभ काम पहले नहीं करना है। और पर दिखेगा नहीं, विजिबल भारत में नहीं होगा। अब कहाँ दिखेगा, कौन सी जगह दिखेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है वो प्रशांत महासागर में दिखने वाला है, हिंद महासागर में दिखने वाला है, अफ्रीका में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। अब ये उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में भी दिखेगा। अब दक्षिण पश्चिम यूरोप में भी दिखेगा, दक्षिण पश्चिम एशिया में भी दिखेगा और अटलांटिक में भी दिखेगा। तो इन जगह विजिबल रहेगा चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण के समय खासकर कुछ ना खाया जाता है ना कुछ बनाया जाता है। अब क्या करें इस समय और क्या आपको करना चाहिए? खासकर एक और चीज़ बताऊंगी कि वैशाख पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ही जो चंद्र ग्रहण लगता है, और उस इस दिन 16 मई को बुध पूर्णिमा भी है। अब चंद्रमा का जो रिलेशन है हमारे इमोशंस के साथ है, माता के साथ है, कुंडली में माँ के साथ होता है। अब इस दिन आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है आपको, अब उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चंद्र ग्रहण के समय, अगर आप चंद्र ग्रहण के बाद जब खत्म हो जाएगा, बेशक नग भी नहीं रात, बट आपको उसके बाद आपको नहाना है। नहाने के बाद आप गंगा जल का छिड़काव जो है पूरे घर में कर लीजिए, एक तरह शुद्धि जो हो जाती है। तो आप जब नहा लेंगे तो उसके बाद गंगा जल का छिड़काव जो है अपने पूरे घर में कर लीजिएगा। और आपको क्या करना है, आप खाने पीने की चीज़ों में तुलसी दल रख दीजिए, या आप रखें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो खाने पीने की चीज़ों में तुलसी दल रख दीजिए। अब आपको ग्रहण के समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या आपको करना है, देखिए आपको मूर्ति पूजा इस समय नहीं करनी है। आप कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल बुक है, कोई धार्मिक किताब है आपके पास, उसको ज़रूर पढ़े। कोई मंत्र में आपका विश्वास है, ओम नमः शिवाय है, या जो भी मंत्र आप करते हैं तो आप मंत्र जाप जरूर कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के टाइमिंग के अराउंड, बट आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, भगवान के सामने उस समय नहीं बैठना है। आप जो भी किसी भी कोने में बैठ जाइए और आप कोई रिलीजियस बुक पढ़ सकते हैं, कोई धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं, या कोई मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको क्या दान करना है खासकर, जिसका आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है इनका राशियों पे भी इम्पैक्ट रहता है, हमारे पे भी इम्पैक्ट रहता है। तो आपको खासकर अगर आप कर सकते सफ़ेद चीज़ का दान कीजिए, किसी सफ़ेद चीज़ का दान करें खासकर चंद्र ग्रहण पे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप चीनी का, आटे का, कोई सफ़ेद मिठाई का दान कीजिए, किसी ज़रूरतमंद लोग को, किसी को आप दान स्वरूप कुछ दे सकते हैं। और खासकर जैसे मैंने बोला सफ़ेद चीज़, ये तो कोई अन्न, किसी भी रूप का अन्न, जो अन्न का दान बहुत ही फलदायक रहता है, तो कोई अन्न का आप दान कर सकते हैं। नहीं तो आप तिल का, गुड़ का, इस तरह से कोई वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा रहेगा अगर आप कोई सफ़ेद चीज़ का दान करते हैं। तो इस समय जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। और आपको अगर क्या करना है, जैसे तुलसी का सेवन जो है, तुलसी का जो सेवन इस्तेमाल आप इस समय कर सकते हैं तो शुभ रहेगा।
ये थी बातें जो प्रिकॉशंस आपको लेनी है, जिस तरह का आपको दान करना है खासकर चंद्र ग्रहण के दौरान। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो जो ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।